है 2015 में मैंने नीतीश कुमार जी का प्रचार किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करी, उनको जिताने में कंधा भी लगाया। 2014 के नीतीश कुमार में और 2023 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, जिस स्लोगन की आपने बात की है, वो नीतीश कुमार थे जिनके नेतृत्व में बिहार में 2005 से 2012-13 के दौर में सुधार होता दिखा था। ये बात बताता है कि हमको बिहार में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि अगर ये आदमी, इनके नेतृत्व में बिहार सुधर रहा है और नीतीश जी ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिया था, हमसे जब मदद के लिए आए दिल्ली में मिलने 2014 में नीतीश कुमार, उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने चलाया है। तो मोदी जब नीतीश बाबू हमसे नवंबर 2014 में मिलने आए तो मैंने उनको कहा कि आप तो बिहार ठीक चला रहे थे, बिहार में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो आप छोड़कर मांझी जी को बनाकर क्यों अलग क्यों हट गए। तो उन्होंने बताया कि हम चुनाव हार गए। हमने उनको उस समय ये वादा किया कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, बिहार को बेहतर जैसे बना रहे थे बनाइए, और चुनाव के नजरिए से जो मदद होगी वो हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आकर उनकी मदद भी की, उनको चुनाव जिताया भी, सात निश्चय की एक परिकल्पना भी करी, बिहार के विकास के लिए बिहार विकास मिशन भी बनवाया। उस सरकार में हम शामिल नहीं थे, लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी के तौर पर, सुझाव के तौर पर किया जा सकता था वो सब किया, लेकिन करने की जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की थी। तो 2005 से 2012-13 में जो बिहार सुधरता हुआ दिखा, 2015 से 2023 के दौर में बिहार बिगड़ता हुआ दिखा। नेता के तौर पर 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी वो चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनके पार्टी को झटका लगा था, दो एमपी जीते थे, विधानसभा में उनके 117 विधायक थे, उनको बहुमत जनता का दिया हुआ था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 2243 के विधानसभा में सिर्फ उनके पास 42 विधायक हैं। उस समय चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन पद एक राजनीतिक मर्यादा होती है, पद इन्होंने छोड़ दिया था, मांझी जी को बनाया था। आज ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार का 14-15 में मैंने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जो वाजपेयी जी के जमाने में रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें करीब 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया। जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान था कि हमारे रेल मंत्री रहते हुए अगर 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं पद पर कैसे रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जब कोरोना में हजारों लोग बिहार के मर गए, लाखों बच्चे रोड पर घूमते रहे और ये आदमी घर से बाहर नहीं निकला। हमने फोन पर बात की, इनको बताया कि इतने लोग यहां बाहर फंसे हुए हैं, कम से कम बस तो भेजवा दीजिए। ये आदमी ने कुछ नहीं किया, उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। और आपका अगर तर्क है, जो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। ये आप लोग यही करके तो बिहार को बर्बाद कर दिया लोगों ने।